अग्निपथ के विरोध में लगातार बिहार में तीसरे दिन भी हंगामे का दौर जारी है और सबसे ज़्यादा निशाने पर रेलवे की संपत्तियां हैं। रेलवे को टारगेट किया गया, नतीजा ये निकला कि जो हजारों लाखों यात्री जो ट्रेनों से सफ़र कर रहे थे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। पटना के दानापुर स्टेशन पर यहाँ पर जो फड़का एक्सप्रेस में आग लगा दी गई, ट्रेन में आगजनी की गई, उसके बाद यहाँ पर देखिए कई यात्री जो दूसरे दूसरे सफ़र को जाने वाले थे वो परेशान हैं और रेलवे ट्रैक के किनारे जगह ले रहे हैं। आप लोग कहाँ जाने वाले थे? गाजियाबाद, मालदा से। मालदा से आप गाजियाबाद? गाजियाबाद जाने वाले थे। क्या हुआ था यहाँ पे जो आप लोग? जब हम लोग क्या बताएंगे सर, हम लोग सोया था यहाँ पर गाड़ी पे ऊपर। आप डंडा जब खिड़की में मार रहा है, दरवाजे में मार रहा है, तो दरवाजा बंद करके हम लोग चुप से बैठा था। अब क्या नहीं, कैसे हुआ, कैसे बताएंगे? हम लोग जल्दी से बाहर होकर जंगल में आकर खड़ा हो गया, अपना जान तो बचाना है। अच्छा, वो लोग आप लोग पैसेंजर को भी प्रॉब्लम कर रहे थे? नहीं, पैसेंजर को तो लाठी डंडा नहीं हुआ है, लेकिन दरवाजे में गाड़ी सब ठठा रहा है, सब तोड़ दिया है, शीशा मिशा सब तोड़ दिया। तो हम लोग तो अपना जान बचेगा कि हम लोग का छोड़ेगा नहीं लगता है। आप कहाँ जा रहे हैं? सिकंदराबाद जाना है मुझे। अच्छा, तो क्या हुआ जब यहाँ पहुँचे थे? यहाँ पहुँचे तो पूरा लड़ाई झगड़ा होने लगा, हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, मारपीट पूरा, तो हम लोग भाग गए जान बचा के। देखिए कई यात्री हैं, आपको कहाँ जा रहे हैं? 12:30 बजे मालदा से दिल्ली जाना था। क्या हुआ था यहाँ पे जब पटना पहुँचे? सुबह 6:30 बजे यहाँ ट्रेन आ गया, आके रुक गया। ये सुन रहा हूँ लोग आदमी बता रहा है तो आगे हंगामा चल रहा है। उसके बाद यही सुन के 8:30-9 बजे तक इधर भी आदमी आ गया, आके पूरा हंगामा चालू कर दिया, तोड़फोड़। बाद में ये देख के उधर भी आग लगा दिया। फिर हम लोग ट्रेन में बैठा था, हम लोग कोई आदमी बता रहा है जो आग में ट्रेन में भी आग लगा देगा। फिर एक बार नीचे उतर गया, उसके बाद फिर उतर नीचे गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद फिर देखा जो आग लगा दी, फिर नीचे आ गया। हम लोग जो सरकारी का कोई आदमी आगे बताएगा भाई गाड़ी में कोई नहीं रहना चाहिए, सब आदमी आप लोग नीचे उतर जाओ, कोई नहीं आके बताया। हम लोग खुद नीचे आ गया, जंगल में छुप गया हम लोग। मेरा बच्चा भी है। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग तीन है, मेरा एक भाभी है, भतीजी है और मेरा लड़का है। आप कहाँ से आ रहे थे? मालदा टाउन। ठीक है, मालदा टाउन से कहाँ जाना था? को लखनऊ जाना था, लखनऊ। यहाँ पे कैसे जब हुआ था आप लोग क्या कर रहे थे? जब हुआ था पहले 6 बजे से बोल रहे थे 2-3 घंटा लेट रहेंगे। उसके बाद 8:30-9 बजे तक, 9 बजे हंगामा हो गया, पूरा हंगामा हो गया। तो फिर हम लोग ट्रेन में बैठे थे तो खिड़की उड़की लगा दिया, फिर शीशा उठा तोड़ने लगा। फिर शीशा तोड़ने के बाद हम लोग ट्रेन में ही थे, जब आग लगा दिया तो निकल के आ गया बाहर। 9 बजे तक जब हंगामा शुरू हुआ था उस समय तक दानापुर में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन काड़ी साथ स्टेशन जो दानापुर से आगे बीटा के आगे है, सदीशोपुर से हंगामा शुरू हुआ था। काड़ी साथ स्टेशन पर जो कुल्हड़िया स्टेशन है वहाँ पर ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसके चलते परिचालन ट्रेनें जो जहाँ तहाँ रोक दी गई थी। फड़क्का एक्सप्रेस दानापुर के पास में प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे मॉर्निंग में वेट कर रहे थे, मॉर्निंग में आ चुका था, 6 बजे के आसपास आ चुका। उन्होंने बोला कि 2-3 घंटे लगेगा, उसके बाद ट्रेन चलेगा। तो हम लोग सो रहे थे, एकदम से सारे पैसेंजर बाहर निकल गए, 2-3 घंटा लगेगा। उसके बाद लोग तो अपना ब्रश कर रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। उसके बाद फिर एकदम से पीछे से किसी ने अटैक किया, वो चिल्लाते हुए सारे पैसेंजर आए, सब ने बोला गेट बंद करो, खिड़कियाँ वगैरह बंद करो, सब अपने विंडो बंद कर रहे थे, अपना डोर वगैरह बंद कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने पत्थर से अटैक किया, फिर उसके बाद शीशे तोड़े, दरवाजे पर बहुत ज़ोर से मारा, लोगों को भी वो लगी है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर गए। उसके बाद हम लोग फिर भी अपने आप को अंदर ही सेव करके अंदर ही बैठे हुए थे, हमारा तो फ़ोन वगैरह ही बंद है, तो हम घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद फिर क्या उस हम लोगों ने फिर वो बंद करने के बाद सब बोल रहे हैं कि निकल जाओ वरना आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो हम लोगों को कैसे निकलेंगे, एक तो बाहर से अटैक करें, फिर बाहर जाओ तो भी अटैक होने का डर है, अंदर रहो। तो हम लोगों ने फिर भी अंदर ही एडजस्ट किया, जैसे वो लोग निकल गए, जैसे आग लगा दी, उसके बाद हम बीच में निकल के यहाँ आके बैठे। मतलब उधर भी बहुत काफ़ी अटैक करने की कोशिश किया, पर वहाँ से भी निकल के यहाँ तक आके बैठे। ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से हंगामा हुआ, जब सारे बॉग निकल के यहाँ पे आप जस्ट प्लेटफॉर्म देख रहे हैं दानापुर स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है, इसके बाद जो है फड़का एक्सप्रेस लगी हुई थी और वहाँ से जो पैसेंजर थे किसी तरह जान बचा के लोग साइड एरिया में आके जो लिंक रोड है वहाँ पर, जो पीछे का इलाका है दानापुर के स्टेशन के, वहाँ पे ही लोग बैठे हुए हैं और इन्हें अभी भी किसी तरह का रेलवे से कोई मदद नहीं मिल रही है, ना कोई जानकारी दी जा रही है कि ट्रेन कब खुलेगी और कैसे जाना है, क्योंकि सभी भूखे प्यासे हैं यहाँ पे, सुबह से यहाँ पे हैं। और इस तरह के पैसेंजर जो हज़ारों की संख्या में हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, जो दूसरे ट्रेनों से भी जाने वाले थे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ऊझा, दानापुर न्यूज़ 24।